हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग मैं लेकर के आई हूँ, रेसिपी व्लॉग। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी है ट्रेडिशनल भल्ले और बटूरू और कचौरी। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप भी अपने घर पर बना करके ट्राई करिएगा। ये दाल ली है मैंने, दले माँ की दाल। ये ओवरनाइट मैंने सोक की थी, उसके बाद इसका रिज़ल्ट ये है। इसके बाद हम इसे अब वॉश करेंगे। अभी साथ में मेरे हस्बैंड लगे हैं हेल्प करने के लिए, दाल वॉश करके देंगे मुझे और साथ में ही मेरे साथ थोड़ा सा कुकिंग भी करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से हो जाती है। अब इसके छिलके इस तरह से निकलेंगे, तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। अभी दाल हमारी वॉश हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हम जो कचौरी के लिए दाल ग्राइंड करेंगे उसको मोटा दरदरा रखेंगे, और जो भल्ले के लिए हम दाल ग्राइंड करेंगे उसको थोड़ा पतला बारीक वाला ग्राइंड करेंगे। दाल ग्राइंड करने के बाद अब मैंने एक में हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें बटूरू का आटा लगाना पड़ेगा, कचौरी का आटा, क्योंकि उसको होने के लिए भी कम से कम एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। गर्मियां हैं, हो जाता है वैसे तो। तो चलिए पहले आटा लगा लेते हैं, क्योंकि इसको भी रेस्ट की ज़रूरत रहेगी। ये मैंने आटा ले लिया है 12 से 13 कचौरी और बटूरू के लिए, और साथ में लिया मैंने ईस्ट। ईस्ट में मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी, हल्की सी चीनी, और उसको मैं पानी के साथ अब मिक्स करके 3-4 सेकेंड्स के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। अभी हमारा ईस्ट भी एक्टिवेट हो चुका है, देखिए किस तरह की कंसिस्टेंसी है। हमें इसी तरह से रखना है, और उसके बाद हमें अपना आटा लेना है और आटे में इसको गूंदना स्टार्ट करना है। तो मैंने अब आटा ले लिया है, मैं इसको स्पून की हेल्प से साइड साइड कर रही हूँ। इसमें मैं अभी अपना जो ईस्ट है ये लिक्विड फॉर्म में ये मैं डाल रही हूँ, देखिए, और मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने इसे स्पून की हेल्प से गूंदना चाहा, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी लास्ट फंक्शन का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके हिसाब से, बट ये स्पून से उतना बेटर तरीके से हो नहीं पाया। तो मैंने अपने हैंड वॉश करके अच्छी तरह से बैंडेड निकाल करके फिर मैंने इसको गूंदना स्टार्ट किया। तो ये देखिए, मैंने इसको गूंदना स्टार्ट किया। आप अच्छी तरह से इसको गूंद करके अच्छी तरह से नरम मुलायम कर लें, और इसको एयर टाइट कंटेनर में रख करके किसी गर्म जगह पे रख दें। मुझे हमेशा से ही अपना माइक्रोवेव एक गर्म एरिया लगता है, तो मैंने इसको रख दिया था। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से बन गया था। ये देखिए, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ में मैंने दाल ले ली है। दाल में मैंने धनिया ऐड किया है, इसके साथ में नमक, साबुत जीरा, धनिया और गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। मिर्ची मैंने इसमें ऐड नहीं की है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगी, तो मैंने इसमें मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। अगर आप मिर्च खाते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमारा कचौरी का बैटर पूरी तरह से तैयार है। साथ ही में मैंने ये देखिए दाल रखी है भल्ले के लिए, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी हमने कचौरी बनाना स्टार्ट किया है। हस्बैंड कचौरी बनाएंगे, क्योंकि मुझे कैमरा पकड़ना था, तो ये हस्बैंड ने कचौरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने दाल की फिलिंग इसमें कर दी है, और अब हम इसको बंद करेंगे। जैसे हम आलू का परांठा बंद करते हैं उसी तरह से हम इसको भी करेंगे, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि अभी दाल थोड़ी सी हमने नमक ऐड किया था तो वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो ये हमने हाथ की हेल्प से ही इस तरह से बढ़ाया है। इसके बाद हम इसे इस तरह से अब फ्राई करने के लिए डाल देंगे।
लीजिए हमारी पहली कचौरी बन के रेडी है। इसी तरह से हमने बाकी की कचौरियाँ भी बना लेनी है। अब हम इसी के साथ में बना लेंगे भटूरू। भटूरू बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें दाल की फिलिंग नहीं करनी है। जैसे हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं या हाथों से बढ़ाते हैं चपाती को, उसी तरह से थोड़ा सा मोटा आटा रख करके हमें बनाना है। तो देखिए हमने इतनी बना ली है और हमने एक कचौरी टेस्ट भी कर ली थी जो कि वहाँ पर पड़ी है। तो जब आप भी बनाएँ तो आप भी टेस्ट कर लें। हमने भटूरू भी बना लिए और हमने कचौरी भी बना ली और मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग भी लगा दिया था। तो चलिए अभी भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। अब भल्ले का बैटर भी रेडी है। ये देखिए मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट सिर्फ ऐड किया है और बाकी वही मसाले मैंने इसमें रखे हैं। तो ये देखिए अब भल्ले बन रहे हैं। इस तरह से आप भल्ले में बीच में छेद करेंगे इसको राउंड राउंड करके, और ये अब हमने भल्ले बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये भी इजी है, बस वही दाल लगेगी, आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसमें राउंड जैसा होल करना पड़ेगा बीच में, तो वो अच्छी तरह से फिर बनते हैं और पकते हैं। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं और इसी तरह से इसे तैयार कर लें। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।